गई थी संगम सभागार में गया तो मानता बैठक नहीं होगी क्योंकि हड़ताल में वही सारे कर्मी ऐसी व्यवस्था ये बना रहे हैं जिससे कि जनता को राहत मिले, छात्रों को राहत मिले। अभी आपने देखा पेपर का क्या हाल है, ये जान करके लीक करा के पेपर कैंसिल कर देते हैं और उसी मामन फादर दो चार लोगों की गिरफ्तारी करेंगे, आला करेंगे, बाला करेंगे, नौकरी देनी नहीं इनको। हमारे सलीम खान साहब ने पार्टी ज्वाइन की, बसपा के ही हमारे बीडीसी हैं विधानसभा प्रतापपुर के विनोद पासी जिन्होंने बसपा छोड़ कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी, मोहम्मद अली ये भी बीडीसी हैं ये भी बसपा छोड़ करके इन्होंने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, और बसपा के ही सेक्टर के प्रभारी हैं शर्फी लाल गौतम इन्होंने भी बसपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इलाहाबाद अब तक कुल कितने लोग अब तक ज्वाइन कर चुके हैं? लगभग साल भर से जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ साल भर से लगभग हम इलाहाबाद जनपद में 600 से ज्यादा लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा चुका हूँ, 600 से ज्यादा। ऐसा कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोगों का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ आपको दिख रहा है? समाजवादी पार्टी की जो सरकार रही माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017 तक, तो आज हर व्यक्ति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व की सराहना कर रहा है, उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना कर रहा है, उनके द्वारा बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए जाने की सराहना कर रहा है, और आज उसकी तुलना जब भाजपा की योगी सरकार से होती है तो योगी सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार से दूर दूर तक खड़े नजर नहीं आ रहे हैं, और योगी सरकार में जो तमाम व्याप्त भ्रष्टाचार हैं, किसानों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा, खाद नहीं मिल रही, क्रय केंद्रों पर धान गेहूँ की खरीद नहीं हो पा रही है, और छुट्टा जानवर से किसान खेती के लिए परेशान है, बेरोजगारी बढ़ी भई है, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो रोजगार मिल भी रहा है जो नौकरी आ रही है उसमें इतना लीकेज हो जा रहा है पेपर लीकेज कि कोई नौकरी मिल नहीं पा रही, सब कैंसिल कर दी जा रही है, जो सुनियोजित तरीके से ये योगी सरकार की एक साजिश नजर आती है कि नौकरी न देनी पड़े, हमारी महिलाएँ सुरक्षित नहीं रहें। इलाहाबाद की अगर आप बात करें तो कम से कम कितनी सामूहिक हत्याएँ हुई हैं, गौहरी कांड अभी ठंडा नहीं हुआ, उसको पूरा प्रशासन लीपा पोती में जुटा हुआ है, एक ही परिवार के 4-4 लोगों की हत्या हो रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के हर मुद्दे पे योगी सरकार विफल है। इन्हीं सब को देखते हुए तमाम लोगों की आस्था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पद बढ़ी है और उनके नेतृत्व में लोगों ने विश्वास जताते हुए तमाम लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और योगी सरकार को डिफीट देने के लिए, पराजित करने के लिए सारे लोग एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अलावा अन्य कोई विकल्प उत्तर प्रदेश में नहीं बचा जो सरकार बना सके। धन्यवाद।